तरीके से उपयोग किया जाता है, जो किसी लायक नहीं होता उसको उबाल देते हैं, उबालने से उससे मटन टैलो निकलता है और उसी मटन टैलो की साबुन बनती है जो सभी कंपनियां उसको उपयोग में ला रही हैं, क्योंकि वो बहुत सस्ता पड़ता है। जो खाने का तेल है जिसको हम पहले जिससे साबुन बनाते थे वो कम से कम 150 रुपए किलो है खाने का तेल, जबकि मटन टैलो 25 रुपए किलो है। जो फर्क है 150 से 25 का, उस फर्क के कारण ही ये सब कुछ हो रहा है। ये जो फर्क है 25 रुपए से 150 रुपए का, आपका जो बेसिक इंग्रेडिएंट है वो 25 से अगर 150 पहुंच जाएगा तो आपकी साबुन महंगी बनेगी। आप उस साबुन को बाजार में बेचोगे लोग खरीदेंगे नहीं, खरीदेंगे भी तो उसकी वो कॉस्ट पे नहीं करेंगे। और इसमें बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट में खर्चा होता है, डिस्ट्रीब्यूशन पे खर्चा होता है, ये सब नहीं हो पाता है। इसलिए वो सस्ते से सस्ता तेल खरीदते हैं जो पशु से मिलता है, मटन टैलो। तो मैं उसके कुछ वीडियोस आपके समक्ष रखना चाहता हूँ कि मटन टैलो से किस तरह से आपस में जल का मिश्रण होता है, चीज सड़ने लगती है। लेकिन टूथपेस्ट आज खरीदो एक साल बाद भी नहीं सड़ता, दो साल बाद भी नहीं सड़ता, उसमें ट्राइक्लोजन नाम का प्रिजर्वेटिव डाला जाता है जिससे वो जहर उससे भी कैंसर होता है। हम अपने बच्चों को बोलते हैं सुबह से टूथपेस्ट करो, सोने के पहले बोलते हैं टूथपेस्ट करो, की कैंसर, मसूड़ी के कैंसर जो होते हैं, पेट में भी जाता है। 2019 में भारत में 4 करोड़ लोग कैंसर से मरे, सर्वाधिक दूसरे नंबर की सर्वाधिक बीमारी भारत में जिससे लोग कैंसर से मर रहे हैं, और ये ग्राफ बढ़ता जा रहा है। कुछ समय बाद सबसे ज्यादा लोग कैंसर से ही मरने वाले हैं। आज कैंसर का ग्राफ एकदम बढ़ता जा रहा है, कारण इसका यही है कि सारे अशुद्ध पदार्थ हम मुंह में डाल रहे हैं, जीव हिंसा से भी आ रहे हैं वो और रसायनों से भी आ रहे हैं। खाने से पेट में होता है और मंजन आदि करने से दांत में कैंसर होता है, दांत के कैंसर। मुंह से भी तो सारा जाते ही है ना महाराज, अंदर के अपना जो ऑरल कैविटी होती है इसके अंदर भी कैपिलरीज होती हैं, वो एब्जॉर्ब कर लेती है थोड़ा, लार जैसे निकलती है, तो भोजन भी अंदर अपने के साथ पेट में भी जाता ही जाता है, शरीर में खून में मिल गया कहीं भी जा सकता है, किधर भी जा सकता है। और वहाँ जब अभी जा रहा है, अभी घूम रहा है, अभी शरीर में मेरे भी है जो मैंने जितना एक्सपोजर ले लिया, बहुत लोगों के शरीर में पाया जाएगा लेकिन अभी वो मर नहीं रहे। कारण ये कि शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधकता क्षमता है, इम्यूनिटी पावर है, जब तक क्षमता है तब तक वो उसे दबा के रख रहा है उस बीमारी को। जिस दिन क्षमता कमजोर हुई, खान पान कमजोर हुआ, क्षमता कमजोर हुई, वो बीमारी आ जाती है, वो आक्रमण कर लेती है, वो रहती अंदर ही है, क्योंकि इतना ज्यादा हमने। महर्षि, मेरा एक सिंपल प्रश्न मैं सबसे पूछता हूँ, पहले के लोग 100 साल तक आराम से जीते थे, पिछले 50 साल में लोग 70, 60, 65, 50 इसके आसपास जी रहे हैं, हार्ट अटैक हो रहा है, कैंसर हो रहा है, डायबिटीज हो रही है, कोई और समस्या हो रही है, लेकिन आज का प्रति व्यक्ति अस्पतालों में मर रहा है। अब वो आज का व्यक्ति अल्पायु से मर रहा है, पूर्ण आयु करके नहीं मर रहा, सकल मरण से मर रहा है। अल्पायु में उसको बीमार हार्ट अटैक हुआ, अस्पताल गया, वहाँ से लौट के सब बीमारी से ही मर रहे हैं, सब बीमारी से ही मर रहे हैं। किसी को स्वस्थ अवस्था में मरण आजकल बहुत दुर्लभ हो गया, बहुत दुर्लभ हो गया। और इसका कारण है जो पर्यावरण में प्रदूषण है, मतलब हमारे खान पीन में, हमारे शरीर में लगाने वाली चीजों में, हमारे जो हम पैदा कर रहे हैं, खाद जो डाल रहे हैं, पेस्टिसाइड जो डाल रहे हैं, इन सब में, फिर जो वातावरण में, यहाँ तो फिर भी थोड़ा शुद्ध वातावरण है लेकिन थोड़ा खेतों में जाते हैं तो सुबह से पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, इस सब के कारण उसका एक्सपोजर किसानों को होता है, वो अनाज में पड़ता है, वो अनाज हमारे तक आ रहे हैं। अब अनाज भी महाराष्ट्र पूरा दूषित है, पहले के समय में अनाज पौराणिक होता था, आज के समय में अनाज पौराणिक नहीं है, हाइब्रिड करा दिया और जेनेटिकली मॉडिफाई करा दिया, उसका इफेक्ट तुरंत नहीं समझ में आता। जो जीएम क्रॉप है पैदा हो गई, बड़े बड़े फल आने लगे, स्वाद नहीं है बच्चों, तो वो बोलना है क्या, मॉडिफाई किया, अब वो बिना स्वाद का, बिना पोषण का, इतना सारा पेट तो भर सकता है लेकिन पोषण नहीं दे रहा है, इसलिए कुपोषण भी हो रहा है, इसलिए शरीर से कमजोरी हो रही है, इसलिए अल्प उम्र में मृत्यु हो रही है। जो मैं बता रहा था आपको कि बहुत सारी चीजें और डालते हैं जिससे पदार्थ बनते हैं, एक वीडियो है मेरे पास जिसको मैं बताना चाहूंगा कि साबुन में इनको एक एक चीजें छुड़ाना अच्छा रहेगा, ताकि इतनी सब जानकारी आप देते जा रहे हैं और अपन सुनते जा रहे हैं, इसके साथ साथ इनको थोड़ा समझाने के बाद हम छोड़ा देंगे, आप एक एक चीजें उसमें क्या दोष है अच्छी तरह से। महर्षि, इसके पहले एक चीज मैं विनती करना चाहूंगा, मैं इनको साथ में छुड़ाने के साथ इनको अल्टरनेट भी दे देता हूँ, जो इनकी मसालदानी में भी उपलब्ध है। दांतों को मांजने का ज्यादा वैज्ञानिक तरीका है कि हम सौंठ में काली मिर्ची, दोड़ा, इलायची, जो भी अफोर्ड कर सकते हैं, सस्ते से सस्ती
जो भी स्पाइस है मसाला, थोड़ा सा हिंदी समझने कम आती है, इनके आप बताओ अगर उसको मिक्स करें हम और उससे दांत माजे, वो ज्यादा साइंटिफिक है और दांत ज्यादा समय तक रहने वाले हैं। सोंठ में नमक मिला के दांत माजे जा सकते हैं, सरसों का तेल सोंठ और नमक से भी दांत माजे जा सकते हैं, ज्यादा साइंटिफिक है, ज्यादा समय तक मजबूती देने वाले और बहुत सस्ता है। ये 2000 रुपए किलो का टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं और वो 2000 रुपए किलो में तो पूरे साल का बन जाएगा। ಭಯಾ ಏನಾಕತ್ತಾರ ಅಂದ್ರ ನಾ ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಯಾಗ ನೀವ್ ಹೆಂಗ್ ತಯಾರ ಮಾಡೋದ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರ. ಈಗ ಮೆಣಸ್ಕಾಯಿ ಇರ್ತಾವ್ರ, ಮೆಣಸ್ಕಾಯಿ ಇರ್ತೈತಿ, ನಮ್ಮ ಮನ್ಯಾಗ ಲೋನ್ ಅಂತ ಇರ್ತೈತಿ. ಅಲ್ಮಾರಿ ಹೋತಿ ವಹಾಪರ್ ಸಾಸರೋ ಕೆ ಬೀಚ್ ಮೇ ಕ್ರೀಮ್ ಕಿ ಡಬ್ಬಿ ರಖಿ ತಿ ತೋ ವೋ ಲೇಕರ್ ಆಯೆ ಬೋಲೆ ಇಸ್ಮೇ ಬತಾವ್ ಕಹಾಂ ಹೈ ತೋ ಮೈನೆ ಪಢ್ ಕೆ ಬತಾ ದಿಯಾ ಇಸ್ಮೇ ಚಾರ್ ಪಾಂಚ್ ಜಗಹ ಜೋ ನಾಮ್ ಲಿಖಾ ಥಾ ಉಸ್ಮೇ ಮೈನೆ ಕಹಾ ಯೇ ಸಬ್ ಚರ್ಬಿ ಹೈ. तो फिर इतना उन्हें ग्लानी हुई कि जिनवानी के बीच में वो रखती थी डब्बी. अच्छा, तो अब ये तो कितना ज्यादा गलत हो रहा है. बहुत गलत है. वैसे सूतक वाले घर में किस तरह से चलेगा धर्म हमारा? सूतक तो फिर मंदिर तक भी आ गया. मंदिर में आ गया क्योंकि सर नहा के आ रहे हैं, वही द्रव्य शुद्धि तो हुई नहीं, कपड़े उसी में धुले, हमारे भी धुल रहे हैं, मंदिर के भी धुल रहे हैं, जो उपयोग में आते हैं भगवान को वो भी धुल रहे हैं, शुद्धि तो कहीं रही. इसके लिए तो स्वयं निर्माण करेंगे. पहले साबुन घर में बनती थी, साबुन घर में बनती थी, आसान है. मैं इनको फॉर्मूला दे सकता हूँ, हर मंदिर में हम प्रोडक्ट भी पहुँचा सकते. कई मंदिरों ने नियम भी ले लिया कि अब सिर्फ विद्यांजलि के ही साबुन रखेंगे, सर्फ रखेंगे. जी महाराज श्री, हम उसी पे काम कर रहे हैं और यही कारण है आज यहाँ तक पहुँचे कि सब लोग को हम जोड़ लें, समाज को, कि अब भारतवर्ष में इतना छोटा सा जैन समाज बचा है, अगर वो भी हिंसा अहिंसा का पालन नहीं करेगा तो फिर इस पूरे सृष्टि से धर्म तो बिल्कुल ही साफ है. इस प्रकार के वस्तुओं को प्रयोग करने में बहुत करेगा काम. जी प्रोडक्शन अल्प समय में ही जी बहुत बड़े जी बहुत आवश्यक है. आपका आशीर्वाद रहा तो 1 से 1.5 साल के अंदर प्रोडक्शन बहुत हाई स्केल पे चला जाएगा. बहुत उसके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है और ये बड़े अच्छा है. विद्यांजलि के लिए वो मतलब वो पतंजलि के लिए भी एक चुनौती बनना चाहिए. जी महर्षि, उन्होंने बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर किया है. इसी तरह हिंदुस्तान लीवर के सामने चुनौती बन के उभरे, गोदरेज के आगे उभरे, बहुत सारी बड़ी कंपनियों के आगे उभरे, तो वो भी कहें कि नहीं हमारा भी अहिंसक है, क्योंकि हम डिमांड पूरी कभी नहीं कर पाएंगे. डिमांड तो हमेशा बड़ी कंपनी ही पूरी कर पाएंगी. हमारी इतनी महत्वाकांक्षा नहीं कि हम बहुत बड़ा उद्योग लगाने वाले, लेकिन हम उनके सामने एक मॉडल, सक्सेसफुल मॉडल, कि इस देश में अहिंसा की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट थी, किसी ने भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, हमने ध्यान दिया. आज इतना बड़ा सक्सेसफुल मॉडल करके दिखाया, करोड़ों का बिजनेस कर दिया. अब आपको क्या करना है? आपका मार्केट शेयर डाउन हो तो फिर आप भी करो, तो फिर सब लोग करेंगे तो ये फैल जाएगा. सब लोग सहयोग तो अवश्य देंगे, लेकिन प्रोडक्शन अधिक मात्रा में हो इसके लिए बहुत विचार किया जाना चाहिए. जी महर्षि, महर्षि एक आखिरी वीडियो बताना चाहता हूँ. अभी जो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड बहुत ज्यादा मात्रा में उपयोग में ले रहे हैं किसान हमारे, और यहाँ भी बहुत लोग यही किसानी से जुड़े होंगे, उनके लिए एक छोटा सा आखिरी वीडियो चलाना चाहता हूँ मैं.